रंगभरी एकादशी महोत्सव ठाकुर नगर स्थित मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री पीके मल एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे रहे। मंदिर पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का विधि ढंग से श्रृंगार एवं पूजन अर्चन विधि विधान से किया गया, जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि रंगभरी एकादशी मनाया गया और परंपरा रही है कि रंग खेलने से पहले बाबा भोलेनाथ को रंग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और इसके बाद फागुन का रंग उत्सव मनाते हैं। उन्होंने बताया कि किसान अपने अनाज को काट करके यह उत्सव मनाता है। सनातन धर्म एक पर्व का धर्म है। वहीं आचार्य शांत्युंजय शुक्ला ने बताया कि फागुन महीने का शुक्ल पक्ष का एकादशी विधि विधान से मनाया गया। यह रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान शिव माता पार्वती के संग होली खेलने और श्रृंगार करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसमें भक्त भगवान गणेश, कार्तिक भगवान, शिव माता पार्वती विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है और गुलाल अभी लगाकर ठंडाई चढ़ाया जाता है। इस अवसर पर अनिल सिंह, अनुज तिवारी, दुर्गेश चौरसिया, अभिषेक दुबे सहित अन्य भक्त उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आचार्य शत्रुंजय शुक्ला एवं मंदिर के पुजारी रामानाथ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा ये।
आचार्य शत्रुंजय शुक्ला, आज भगवान शिव के दरबार में आज फाल्गुन महीना का आज शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि बताई गई है, जिसमें रंग भरी एकादशी के नाम से यह जाना जाता है। यह आयोजन भगवान शिव और पार्वती के संग होली खेलने और श्रृंगार करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसमें विशेष करके सभी भक्तगण भगवान गणेश, शिव, कार्तिकेय और पार्वती जी को विशेष रूप से श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार करने के बाद अबीर गुलाल लगा करके और इसके साथ साथ ठंडई भी चढ़ाया जाता है, और सभी भक्त ठंडई पी करके और भगवान के दरबार में होली खेलते हैं और अपनी मनोकामनाओं को कहते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए यह रंग भरी एकादशी का महोत्सव मनाया जाता है। हाँ, इसके साथ महिलाएँ, पुरुष, लड़कियाँ सभी लोग सम्मिलित होती हैं। रमानाथ महंत मुक्तेश्वर नाथ, आज रंग भरी एकादशी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जिस तरह से बाबा विश्वनाथ के दरबार में मनाया जाता है, उसी तरह से बाबा मुक्तेश्वर नाथ के दरबार में दो तीन साल कई सालों से यहाँ पर मनाया जाता है। कितनी भीड़ हो रही है? लाखों की भीड़ है। लाखों की भीड़ होती है। क्या कहेंगे आज के बारे में? एकादशी का दिन है, इसलिए भगवान को रंग भरी एकादशी में अबीर गुलाल खेलते हैं लोग, और आज परंपरा से मनाया जा रहा है। देखिए, आज रंग भरी एकादशी है और हमारी मान्यता है कि रंग खेलने से पहले हम लोग जो है पहले बाबा भोले को रंग लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, इसके बाद हम लोग जो है फागुन का रंगोत्सव मनाते हैं। उसी आज एकादशी के उपलक्ष्य में हम बाबा के दरबार में गए थे, बाबा को पूजा अर्चना की और बाबा को अबीर गुलाल लगा करके रंगोत्सव के परंपरा को, जो हमारी सनातन हिंदू संस्कृति है, उसको अक्षुण रखने के लिए हमने इस कार्य को किया था। सर, आज के बारे में कुछ बता दीजिए। रंग एकादशी, ये रंगों का त्यौहार शुरू हो गया है, होलास्तक शुरू हो गया है, और ये कहा जाता है कि इसमें जो है कुरीतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है और खुशियाँ मनाई जाती हैं, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है करते हैं। और दूसरा ये होता है कि हमारे अनाज खेतों के पक जाते हैं, किसान अपने अनाज को काट करके वो करता है, उत्सव मनाता है, और इन्हीं सभी धारणाओं को लेकर के हिंदू देखिए, हमारा हिंदू धर्म जो है, हमारा सनातन जो है, ये पर्वों का धर्म है। यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे हमारे जब भी खेती किसानी से हम लोग फुर्सत पाते हैं, तब हम लोग जो है उत्सव मनाते हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये है। और जो हमारी मान्यता प्राचीन काल से प्रहलाद की कथा है जो सर्वविदित है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है होलिका दहन करते हैं, और उसके पश्चात जो है हम लोग जो है अगले दिन जो है रंगोत्सव करते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत के पहले आज एकादशी से ही ये त्यौहार मनाया जाता, शुरू किया जाता है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने इसको मनाया है।